मैं एक ही शौक हर वक्त रखता हूँ, हालात जैसे भी हों होठों पर हमेशा मुस्कान रखता हूँ। राह में कितनी भी हों मुश्किलें उसका डटकर सामना भी करता हूँ, क्योंकि मुसीबतों पर जीत हासिल करने और अपने साहस से नए जहां की इबारत लिखने वाले उन जाबाजों के हुनर को जमाना भी करता है दिल से सलाम, और वो शख्सियतें होती हैं बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूँ जयकृति योगी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। जोश, जज्बा और हुनर से अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक बिटिया शिद्दत से जुट गई है। वो अपने तरकश के तीरों को संभाल चुकी है। अपने लक्ष्य को भेदने के लिए उसकी अटूट मेहनत और मजबूत इरादे का तीर उसके लक्ष्य को भेदेगा जरूर। एशिया कप बैंकॉक में गोल्ड। फिर एशिया कप फिलीपींस में सिल्वर, और उसके बाद जर्मनी वर्ल्ड कप में सिल्वर। जीतने वाली बेमिसाल बिटिया। कहते हैं कर खुद पर यकीन इतना कि बुलंद हो तेरा हौसला, हर कदम पर तुझे कामयाबी मिले और तू लिख अपनी सफलता की दास्तां। तरकश में तीर, हाथों में धनुष थामे ये बिटिया अपना निशाना अपने लक्ष्य पर साध रही है। वो अपने मजबूत इरादों से खेल में आगे बढ़ रही है। वो अपने तीरंदाजी से गोल्ड पर निशाना साधने की तैयारी कर चुकी है। उसने अपने विश्वास और लगन से महज एक साल के भीतर नेशनल गेम में एंट्री मार चुकी है। उसे भरोसा है कि उसकी लगन उसे बुलंदी के आसमान तक पहुंचाएगी जरूर। शुरुआत में मैं इस एशिया कप स्टेज वन जो कि बैंकॉक में हुआ था, उधर मैंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता। देन एशिया कप स्टेज टू मनीला में सिल्वर मेडल जीता। देन वर्ल्ड कप स्टेज टू जो कि एंटालिया में हुआ, वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड कप स्टेज फोर बर्लिन में हुआ, वहाँ पे भी सिल्वर मेडल जीता। एंड देन एशियन गेम्स जो कि जकार्ता में हुआ अभी, वहाँ पे भी सिल्वर मेडल जीता। अपने बढ़ते हौसले और मंजिल तक पहुँचने की चाह दिल में लिए ये बिटिया ना जाने कितने रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। वो बड़ी ही शिद्दत से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की चाह लिए अपनी राह आसान कर रही है। वो दिन में कई घंटे मैदान पर प्रैक्टिस करती नजर आती हैं। वो अपने बार बार के प्रयास से अपने खेल में निखार लाना चाहती हैं। मैंने 2016 में आर्चरी स्टार्ट की थी, तो दिन में 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और आज उसी प्रैक्टिस और मेरे कोच के सपोर्ट से मैं आज इस लेवल पे पहुंची हूँ। इस बिटिया की मेहनत ही है कि वो आज इस मुकाम तक पहुंची है, और अपनी जारी बदस्तूर मेहनत से और भी कई रिकॉर्ड और अवार्ड जीतने की चाहत रखती है। इसके बढ़ते कदम और इसकी अटूट लगन इसके ख्वाब को पूरा करने में भरपूर साथ दे रहे हैं, जिसे देखते हुए घर वालों ने भी बिटिया की खुशी को तरजीह दी और उसके हिम्मत को बढ़ावा देने का काम शुरू कर दिया। और उसके बाद इस बिटिया ने अपने खेल से कई कीर्तिमान बनाकर घर वालों के साथ देश का नाम रोशन कर रही है। मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, और बहुत मुझे जो करना चाहे मैं पढ़ाई में जाऊँ या स्पोर्ट्स में जाऊँ, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और सपोर्ट रखा कि जिसमें भी तुम जाओ अच्छा करो। मुफलसी में पली बड़ी इस बिटिया के इरादे मजबूत हैं। इसकी परवरिश भले ही एक साधारण परिवार में हुई हो, लेकिन इसके इरादे दमदार हैं। इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या कहते हैं। उसे बस फिक्र इस बात की है कि वो अपने माँ बाप और देश का नाम रोशन कर सके। उसके जज्बात उसके आने वाले कल की तस्दीक कर रहे हैं। मुस्कान की खेल की प्रतिभा और हुनर को देखने के बाद लोग इसकी सराहना करते नहीं थकते, जिससे अपने मुकम्मल जहां की राह बनानी शुरू कर दी है और अपने देश हिंदुस्तान के तिरंगे को पूरे विश्व पटल पर लहराने की तैयारी भी कर चुकी है। बेमिसाल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 टीम। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना,
जो दिल में हो वो ख्वाब ना तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारों को छूने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना। जी हाँ, एक गुरु की ख्वाहिश है कि वो अपने नेक पहल से नौनिहालों के जीवन में ज्ञान की रोशनी फैला रहा है। मेरा देश बदल रहा है और उसके साथ नौनिहालों की तकदीर भी बदल रही है, क्योंकि अब देश में रहने वाले लोगों की सोच जो बदलनी शुरू हो चुकी है, जिसका नतीजा है कि देश की तस्वीर भी अब बदलनी तय हो गई है। और हो भी क्यों ना, जिस देश में हम रहते हैं उस देश की धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और उनका प्रभाव हमारे देश की नई पीढ़ी पर अब असर भी कर रहा है, जिसका फायदा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में रहने वाले नौनिहालों को मिल रहा है। एक ऐसा स्कूल जहां छुट्टी के दिन भी बच्चों की क्लास लगती है और उस दिन सभी बच्चे रोज की भांति स्कूल आते हैं और फिर शुरू होता है पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला। हमारे गांव के बच्चे हैं जो भविष्य है हमारा, उनको हम समझाएं। अगर बड़ों को समझाएंगे उनसे ज़्यादा अच्छा है कि बच्चों को समझाएं जो कि आने वाला हमारा भविष्य है, और इनको अच्छे संस्कार मिलेंगे बच्चों को, तभी वो जाके एक अच्छे इंसान बनेंगे और देश का निर्माण करेंगे। तो सुना आपने, एक अधिकारी की सूझबूझ की वजह से सैकड़ों नौनिहाल अपने पंखों को मजबूती देने में जुटे हैं, वो अपने सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं ये अधिकारी छुट्टी के दिन अपना पूरा वक्त इन्हीं बच्चों के साथ गुजारते हैं और उन्हें किताबी ज्ञान के साथ समाज में जीवन जीने की कला को भी समझाते हैं। मेरे को लगा कि मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए, एटलीस्ट अपने गांव से करना चाहिए, अपना जहां मैंने जन्म लिया है बेसिक वहां से करें, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। और इसमें मैंने अपने, जैसे मेरा बेटा है तो मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे को भी गवर्नमेंट स्कूल में डालूं, जिससे कि चार और लोगों को एक सिंबॉलिक वे से एक मतलब सोच मिले कि वो भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की तरफ ले जाएं। स्कूल की महत्ता को समझते हुए इस अधिकारी ने लोगों को जागरूक करने की योजना बना ली है। इनका मानना है कि शिक्षा ही ऐसा आधार है जिसके माध्यम से नौनिहालों को तैयार किया जा सकता है और उन्हें प्रेरणा दी जा सकती है। बच्चे भी इनकी बातों को समझते हुए पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था मैं, फोर्थ में यहाँ पर आया हूँ सरकारी स्कूल में, और हमें सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, सभी को मदद, छोटे बड़ों को बोलते हैं कि हमें कचरा नहीं फैलाना है और हमें सबकी मदद करनी है। जिस शोहरत को पाने के लिए शख्सियतें एक के बाद एक योजना बनाने में जुटी रहती हैं, तो वहीं एक अधिकारी ने गुरु बनकर अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इन नौनिहालों के भविष्य को संवारने और इन्हें इनके मुकम्मल जहां तक पहुंचाने की जिद लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इनके जुनून और जज्बात को देखते हुए ये नौनिहाल भी इन्हें बोलना चाहते हैं, थैंक यू टीचर। बेमिसाल के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 टीम। कुछ कार गुजरने का जज्बा रख, यूं दोष ना दे लकीरों को, खुद अपनी कमियों को दूर कर, यूं कोस ना बैठ कर तकदीरों को। गर दिल में है चाहत उड़ने की तो देख ये खुला आकाश सारा, बस फैला पंख और उड़ान भर, लिख दे कामयाबी की इबारत को। बचपन से ही खेलने कूदने, दौड़ने और गिरकर उठने का जुनून दिल में था, लेकिन एक वाकया ने सब कुछ तोड़ कर रख दिया। उसने शरीर का साथ देना बंद कर दिया और बंद आंखों से देखे गए सपनों को चकनाचूर करने के लिए मजबूर करने लगा था कि उसी वक्त हिम्मत ने हार नहीं मानी और उस एक पल में ही खुद को संभालने की ताकत जुटाई और उस रास्ते की ओर निकल पड़ा जिस रास्ते पर उसकी मंजिल उसका इंतजार कर रही थी। सभी दिव्यांगजन और
सभी जो भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति में अगर हौसला और उम्मीद है तो व्यक्ति में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मैं एक ही बात समझता हूँ और इसी बात को मैंने प्रूव्ड किया है कि कोई भी जो दिव्यांगजन वो शरीर से नहीं होता, वो व्यक्ति मन और सोच से होता है। इसीलिए हमने अपनी सोच और मन को मजबूत किया, तब हम कहीं आज कल हमको ये पुरस्कार मिल रहा है। ग्वालियर के रहने वाले सत्येंद्र लोहिया, जो बचपन से जुझारू थे, खेल के नियमों को बारीकी से समझते थे और समय पर उसे फॉलो भी करते थे। बचपन से ही खेल में उनकी रुचि को देखकर घर वाले खुश हो जाते थे कि अचानक सत्येंद्र पर कुदरत का कहर बरपा और उनके पैर में असहनीय दर्द की शिकायत हुई। पैर के इलाज के लिए जब इनके माता पिता लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज गए तो डॉक्टर ने जांच में पोलियो बताया, जिसके बाद वाटर थेरेपी की गई, लेकिन भगवान के इस कहर के आगे धरती के भगवान बेबस नजर आने लगे। और क्या था, कुछ दिनों तक इलाज हुआ, लेकिन बीमारी पोलियो की थी जो पैर में जड़ जमा के बैठ चुकी थी और सत्येंद्र को दिव्यांग की कैटेगरी में शामिल करा गई। जो सपने साकार करना चाहते हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, आप कभी भी अपनी उम्मीद को कभी भी उम्मीद रखें, उम्मीद पर खरा उतरें, उम्मीद को कभी निराशा का कारण नहीं बनने दें और अपना लगातार परिश्रम करते रहें, आपको सफलता मिलेगी। सफलता आपको ही नहीं मिलेगी, जो आपसे उम्मीद रखें, आपका समाज और परिवार और अपने देश को एक सफलता के साथ सपने में आगे बढ़ेंगे और अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेंगे। दिव्यांग होने के बावजूद भी सत्येंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और ना ही खोया अपना खेल के प्रति झुकाव। वो दिव्यांगता को दूर नहीं कर सके, लेकिन अपने बेमिसाल हुनर से लोगों की नजर में हीरो बन गए। उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया जिसके किसी को उनसे आस नहीं थी, लेकिन अपने हुनर से उन्होंने शोहरत की बुलंदी तक का सफर तय किया, जहां पहुंचने के लिए हर एक खिलाड़ी दिन रात मेहनत करता है। सत्येंद्र ने तैराकी को अपना शकल बना लिया और बेमिसाल जुनून से इंग्लिश चैनल और कैल्टीना चैनल को चुनौती दे डाली और उस पर जीत हासिल कर पहला एशियाई दिव्यांग का खिताब अपने नाम कर लिया और साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भी कब्जा जमा लिया। इसी काबिलियत को देखते हुए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनके सराहनीय योगदान की प्रशंसा करते हुए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया। बेमिसाल के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अपने जज्बे से मुफलसी को हराने और नौनिहालों की जिंदगी को नई राह दिखाने के लिए एक बेटी ने ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों का उस बेटी पर भरोसा भी हुआ और उम्मीद की एक किरण भी जग गई। कौन है वो बेमिसाल बिटिया, जरा आप भी देखिए। नीले आसमान में लाल गोले के रूप में उभरता सूरज पूरे आसमान को अपनी लालिमा से लाल कर देता है। जैसे ही ये छटा धरती तक पहुंचती है तो वसुंधरा की रौनक बढ़ने लगती है। और फिर उनका मिलजुल कर खुशी मनाना, नाचना, खिलखिलाना वास्तव में किसी उत्सव का संकेत देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सामाजिक रीति रिवाज के चलते गांव से दूर की गई देश की एक बिटिया की, जो किसान की बेटी तो है, साथ ही वो आज भी शादी के बाद खेतों में काम करती है। लेकिन कुछ रूढ़िवादी लोगों ने उसका जीना मुहाल कर दिया और उस बुरे वक्त में उसका पति भी उसका साथ देने से साफ इनकार कर गया। उसने समाज के रीति रिवाजों को त्याग कर कुछ ऐसा करने की ठानी जिससे वो आज समाज में बहु बेटियों के लिए मिसाल बन गई। हालात ने दे दी प्रेरणा। तो ऐसे क्या हालात हुआ? जब घर में कोई ऐसा है ही नहीं, ये सोचे कि घर में रहे और घर में काम करे, कोई कमा कर लाएगा तभी घर में रहेगी लेडीज। वैसे भी हमारे गाँव में 2 साल से 2.5 साल से ऐसा माहौल पैदा कर दिया है सामाजिक बहिष्कार के बाद, जो है हमारा जीना मुहाल तो वैसे ही हो गया, काम धंधा कहाँ से मिलेगा।
और अपने पति की रूढ़िवादी और पुरुषवादी जो उसकी मानसिकता है ना उससे तंग आकर और गांव वालों से भी तंग आकर। तमाम रास्तों की रुकावटों को दूर कर इसने अपने जुनून और मजबूत इरादों से बदल दी खुद के साथ अपने नौनिहालों की तकदीर और मुस्कुराकर पूरे देश को ये भी बता दिया कि वो हालात के आगे विवश है पर इन रूढ़िवादी लोगों के सामने बेबस नहीं। जिन्होंने मेरे साथ पिछले 2-2.5 साल बल्कि मेरे साथ पिछले 5 साल से हो रहे हैं आज से उनसे तंग आकर ही मैंने ये फैसला लिया है और ऑटो इसलिए चुना क्योंकि कोई और जॉब नहीं मिली। मैं पिछले 2 महीने से घूम रही थी जॉब के लिए। जी हाँ, इस बेमिसाल लेडी ने अपने साहस और धैर्य के भरोसे लोगों की परवाह किए बगैर अपने काम में लग गई और जमाने को दिखा दिया कि मुफलिसी में जन्म लेना गुनाह नहीं होता लेकिन उस गरीबी में जीवन बिताना बुजदिली की निशानी होती है। अपने जोश के भरोसे इस महिला ने अपने नौनिहालों की जिंदगी बनाने और गरीबी खत्म करने के लिए बस एक कदम बाहर निकाला और उसका परिणाम पूरा हिंदुस्तान अपनी खुली आंखों से देख रहा है। इस बेटी ने अपने बेमिसाल सोच से ऑटो चलाने का फैसला किया जिससे गरीबी तो दूर करने की कोशिश शुरू हो ही चुकी है साथ ही बच्चों की परवरिश भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। कमाने खाने का साधन भी मिल गया और दूसरों को भी अच्छा लगेगा अगर कोई ऐसी सोच की होगी। किसी की प्रताड़ना को ना सह कर अपना खुद का कमाना खाने की सोचेगी तो शायद उसको कोई प्रेरणा मिलेगी मुझसे। जब खुद के हाल पर आती है मुफलिसी तो किस किस कदर सताती है मुफलिसी। लेकिन जो अपने मजबूत इरादों के बलबूते मुफलिसी को हराने और उस पर जीत हासिल करने की एक अदद कोशिश में जुटे होते हैं उन्हें कामयाबी भी मिलती है और मुकम्मल जहां भी नसीब होता है। बेमिसाल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 टीम। उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। जी हाँ, आपकी मेहनत और लगन की बदौलत आपकी हर छोटी कोशिश को बुलंदी का जहां मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास प्रोग्राम में आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए।